हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जंक्शन पे, और अभी हम लोग निकल रहे हैं पूरी के लिए। और बहुत दिनों के बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है, और आज की ब्लॉग बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। एंड गाइस सी, देयर इज माय ट्रेन। तो इसी ट्रेन से अभी हम लोग को निकलना। आई थिंक हॉर्न दे रहा, चलिए चलते। तो मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। तो गाइस, अभी बज रहे सुबह के 7:30, और हम पहुंच चुके हैं अपने सपनों की नगरी भुवनेश्वर पे। और यहाँ आने के बाद हम लोग को कुछ पता ही नहीं चला कि जाना किधर है, बट यहाँ से एक नियरेस्ट स्पॉट है लिंगराज टेम्पल, तो अभी फ़िलहाल वहीं का प्रोग्राम बन रहा है। एंड गाइस, मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, ये हमारी पूरी फैमिली है। ये मीट माई, ये मेरी भतीजी है, एंड ये मौसा जी विक्की भैया, एंड ये बड़े मौसा जी, बड़ी मौसा जी, मेरी मम्मी, ये मामी जी, और इधर मेरी मंजली वाली मासी जी, और इधर नानी। तो पूरा फैमिली है, एक दर्जन है। हाँ, एक दर्जन, मामी कह रही है एक दर्जन है। एक दर्जन, और मामा जी और पापा गए उधर नीचे। तो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर। यहाँ स्टेशन से करीबन 5 किलोमीटर दूर है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहीं से एक्सप्लोर स्टार्ट किया जाए। और फिलहाल अभी हम लोग 2 ऑटो बुक किए हैं। तो ये हमारा ऑटो, आप देख सकते हैं, ये हमने एक बुक करा, एक और कुछ देर में आएगा, तो फिर फिलहाल इसी से जाना है। तो वीडियो पर बने रहे, यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग जर्नी अपना, और हमारे साथ मामी, मौसा जी, और ये मेरी बहन। तो चलिए मिलते हैं आपसे लिंगराज टेम्पल के पास, और एक्सप्लोर करवाते हैं वहाँ की चीज़ों को। तो गाइस, फाइनली हमारा सब्र ख़त्म हुआ, यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लिंगराज टेम्पल। एंड गाइस, आप देख सकते हैं कहाँ गया भाई मंदिर, दिख रहा है क्या, कहाँ गया, एक मिनट पीछे वाला कैमरा से दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा लिंगराज टेम्पल है, ये आपको ऊपर का पताका दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल है। एंड गाइस, इधर भी आप एक्सप्लोर करेंगे तो सर शैली में बनाए गए हुए, आप देख सकते हैं इधर भी उसी टाइप में से मंदिर बनाया गया, तो आप इधर आके भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड गाइस, इधर भी है, उधर भी है, और इधर भी है। तो चलिए चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको अंदर का दृश्य, तब तक बने रहे हमारे साथ। तो यहाँ पे आने के बाद आपको बहुत सारे छोटे छोटे दुकान मिलेगा, जहाँ पे आप प्रसाद बाय करके अपना सामान यहाँ पे रख सकते हो, बट यहाँ पे सामान रखना उतना ज़्यादा सेफ नहीं होगा। यहाँ पे बस आप जूता खोलें और अंदर में लॉकर है, वो लॉकर का यूज़ करें, वहाँ पे आपको सामान वामान लेके जाना। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप यहाँ पे आते हो तो इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको अंदर ले जाने के लिए नहीं मिलेगा, लाइक फ़ोन, कैमरा वगैरह सब आपको लॉकर में रखना पड़ता है। तो चलिए आगे का दिखाता हूँ, जहाँ तक मैं जाऊँगा वहाँ तक कुछ कवर करूँगा, उसके बाद फिर बताऊँगा कि अंदर है क्या। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का बाउंड्री किस प्रकार के है, और कौन सी शैली से बनाया गया ये मंदिर। तो आपको इधर से होके एंटर करना पड़ता है, और एंट्री गेट यहाँ पे है कुछ हमारा। तो ये हमारा कुछ कंपाउंड है, छोटा सा कंपाउंड जो कि बहुत बड़ा है, और यहाँ पे घाट बनाया गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो राजा होंगे, यहाँ पे पंडित पुजारी वगैरह आके नहाते होंगे और पूजा करते होंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कुंड है यहाँ का, वो भाई बहुत बड़ा। तो इतना बड़ा कुंड है यहाँ पे, ताकि यहाँ पे राजा वगैरह आके नहा सके और पूजा कर सके। एंड गाइस सी, जिसके लिए हम आए थे वो हमारी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। और ये एक कुआं है। सो गाइस, हमारी खुशी सातवें आसमान पे है, क्या ही बताओ। यहाँ पे बहुत छोटे छोटे मंदिर हैं। हाँ माँ, यहाँ पे भी एक मंदिर है। तो ये वैसर शैली से बनाया गया। तो गाइस, ये हमारा एंट्री गेट है, यहाँ से आप होके अंदर जाते हो। एंड आपको यहाँ से एक क्राइटेरिया, यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होगा, यहाँ इस वाले प्रोसेस से होके अंदर गुजरना होता है। मोबाइल नहीं तो यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी चेक होगा, तो यहीं पे सिक्योरिटी चेक करवाते हैं, आप चलते हैं अंदर।
तो मंदिर घुसने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना गैजेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो आप यहाँ पे लॉकर सुविधा दी गई है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके जमा कर सकते हैं। और यहाँ पे फ़ोन पर फोन का 10 रुपया पड़ेगा आपको, तो यहाँ पे आप फ़ोन वगैरह रख सकते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक लेके जाने का अलाव नहीं है। एंड देन ये आपका एंट्री गेट है, यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगा एंड आपको यहाँ से एंटर करना होगा, यहाँ से एक रास्ता यहाँ से एंटर करना होता है। तो आगे की कहानी अब मेरी जुबानी, बिकॉज फ़ोन लेके अंदर जाने नहीं मिलेगा। एंड ये एग्ज़िट पॉइंट है, इधर से आप निकलते हो, ये एग्ज़िट पॉइंट है। तो आगे की कहानी अब मेरी जुबानी सुनिए आप लोग और इन्जॉय कीजिए। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग मंदिर से बाहर निकल चुके हैं एंड यहाँ पे एक पीपल का पेड़ है, उसी के नीचे बैठे हुए। और मैं आपको मंदिर के बारे में बताया तो बिना वहाँ पे जो एक्सपीरियंस गेन किया वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो अभी हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं एंड यहाँ पे एक कुंड है, वहीं पे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए मैं वो कुंड दिखाता हूँ आपको और कुछ अंदर के बारे में भी बता देता हूँ। तो टोटल वहाँ पे 108 मंदिर है और सारे शिव को समर्पित है। और साथ में एक चीज़ और बता दूँ, वहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हो ऑल इन वन। ये अभी हम लोग आ गए हैं कुंड जहाँ पे विश्वनाथ भगवान, नमामि, यहाँ पे विश्वनाथ भगवान हमारे साक्षात स्नान किए थे। यहाँ पे साथ साथ विश्वनाथ भगवान हमारे स्नान किए थे एंड यहाँ पे कैटफिश की संख्या बहुत ही ज़्यादा, तो आप यहाँ पे आके फिशिंग भी कर सकते हैं। जस्ट किडिंग बेब, ऐसा यहाँ पे मछली पालन का भी काम होता है और बीच में एक मंदिर है। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ पे घाट के पास आए हुए थे तो यहाँ पे एक मंदिर है, तो सोचा क्यों ना यहाँ पे भी विजिट किया जाए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ विश्वनाथ भगवान जैसे कि यहाँ पे स्नान किए थे, तो विश्वनाथ जी का यहाँ पे मंदिर है। तो आप जब भी यहाँ पे घाट आओ तो ज़रूर यहाँ पे आके दर्शन करेंगे, विश्वनाथ जी का मंदिर है। और आगे भी दो मंदिर है, मतलब पूरे भुवनेश्वर में आपको हर जगह मंदिर मिल जाएगा। यहाँ पे कहा जाता है यहाँ पे पूरे 1.5 लाख मंदिर है, तो वो विजिट करते करते ज़िंदगी बीत जाएगी भाई, इतना सारा मंदिर है यहाँ पे। तो जो मेन है उसी को विजिट करने निकले हैं और देखते हैं 2 दिन में कितना कवर होता है। तो आज का ब्लॉग हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।